हेलो गाइस, तो हम आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी भरी और एक बहुत ही निराशाजनक बात है कि न्यूजीलैंड और वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक T20 सीरीज होस्ट की गई थी। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान जा रहा था एक T20 सीरीज खेलने के लिए, लेकिन उस सीरीज की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, टॉस हो गया था, पूरी फ़ोटो खिंच गई थी ट्रॉफी के साथ, लेकिन उस मैच को शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहते हैं। और इस पर कोई टीम की वजह से वो मैच नहीं खेलना चाह रहे, बल्कि इसमें पाकिस्तान सरकार की भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये हवाला दिया है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है, और वहाँ की सिक्योरिटी की वजह से हम अपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इस वजह से वहाँ के जो PM है न्यूजीलैंड के, उन्होंने ये फैसला दिया कि न्यूजीलैंड की टीम कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने वाली है। और इसी पर काफ़ी जो बड़े खिलाड़ी, उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी है, जैसे कि शोएब अख्तर हो गए, डेरेन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के ही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इमरान खान पाकिस्तान के PM हैं, उन्होंने तक न्यूजीलैंड के PM को पर्सनली कॉल करके कहा कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी की, कृपया आप मैच को कंटिन्यू होने दें। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की जो PM है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम अपने प्लेयर्स की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और इसी पर आपको बता दें, शोएब अख्तर ने कहा है कि न्यूजीलैंड ने जो कुछ किया इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का एक तरीके से अंत हो चुका है। और शाहिद अफरीदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जो कुछ भी न्यूजीलैंड ने किया है इसका कितना बुरा असर पड़ने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट पर और पाकिस्तान की इमेज पर, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने बस एक झटके में ही जो उन्हें करना था वो उन्होंने कर दिया है। और साथ ही साथ डेरेन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, उन्होंने कहा इससे पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा छवि ख़राब होगी, पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की पूरे ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।